दोस्तों फाइनली वन प्लस 12 का जो है कैमरा सैंपल्स हमारे पास आ चुका है। एंड अगर कैमरा के लिए अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जो है पूरा हम चीजें ऑपरेशन करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे गाइस, जैसा कि देख सकते हो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस हमारे पास जो है ढेरों सारे फुटेजेस वगैरह एंड लो लाइट कंडीशन, डे लाइट कंडीशन में सब चीज के बारे में हम चेक करेंगे। एंड सबसे पहले मैं बात बताऊँ, जो भी ये स्पेस देख रहे हो ना, यानी कि आप जो भी पिक्चर्स या फोटोग्राफ वन प्लस 12 से अगर खींचते हो तो आपका स्पेस थोड़ा ज्यादा लेगा। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 15 MB, 10 MB, 20 MB एंड ये जो है ना थोड़ा कॉमन साइज है इस फोन से अगर जो भी फोटोग्राफ्स, यानी कि स्टोरेज थोड़ा ज्यादा लेगा। एंड हमारे पास गाइस ढेरों सारे सैंपल्स है। एंड जैसा कि देख सकते हो गाइस, ये वाली सैंपल अगर मैं दिखाऊं तो इसको जो है ना जूम कैमरा से लिया गया है, जैसे कि जूम करके जो है मैक्सिमम जूम तक लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे में आपको जो है सारे कैमरा के सेटिंग्स दिख जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो काफी ब्लरी सा इमेज आ रहा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इमेज मुझे लग रहा है, बट वही अगर डायनेमिक रेंज देखा जाए तो भाई काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो सन के अपोजिट में लिया गया एंड वैसे बिल्डिंग यहाँ पे बीच में आया, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हो डायनेमिक रेंज जो है ना काफी अच्छा लगा। बट शेडोज वगैरह में हल्का सा ब्लैकिश कर दिया, बट हाँ कुछ और फोटोज वगैरह देखेंगे। जैसे ये वाली फोटोज देखोगे नियर टू नेचुरल वाला कलर जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ये वाली भी पिक्चर अगर देखोगे, यहाँ पे भी आप ग्रीन वगैरह देखोगे तो भी काफी अच्छी तरीके से इसने हैंडल करके रखा है। जो लोग वगैरह है उनके स्किन टोन वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से जो है मैनेज करके रखा है। वही अल्ट्रा वाइड सेंसर से अगर जो भी फोटोज लेते हो देख सकते हो भाई साहब, थोड़ा मतलब इमेज अच्छी क्वालिटी की आपको दे देगा। 60,000 का फोन आता है, 50,000 से 60,000 के बीच में आपको जो है इंडिया में फोन मिल जाएगा जो कि बहुत जल्द आने वाली है। आप लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड आप लोगों के लिए ढेरों सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डिटेलिंग के मामले में अल्ट्रा वाइड कैमरे में भी काफी ठीक ठाक सा इमेज दे रहा है, बट वही मेन सेंसर की फोटोग्राफ जो है ना काफी कमाल का हमें निकाल के दे देता है। जैसे कि देखो इस लेवल की अगर मैं जूम भी करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर प्लेटें वगैरह दिख जा रहा है एंड ऊपर में जाकर के ग्रीनरी भी दिख जा रहा है। शेडोज वगैरह में भी काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे, मतलब जो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी जो है ना बहुत ही तगड़ी निकल के आती है। वही फ्रंट मोड में अगर सेल्फी मोड देखते तो यहाँ पे जो एज वगैरह जो है ना डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छी तरीके से ले लेता है। एंड जो कलर वगैरह जो है ना वो भी इंडियन स्किन के हिसाब से जो है काफी अच्छी तरीके से ये कलर्स वगैरह ले ले रहा है। एंड बाकी जो बैकग्राउंड में बोफे इफेक्ट है वो भी काफी अच्छी तरीके से ले ले रहा है। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो जो डायनेमिक रेंज है सन के अपोजिट में जो पिक्चर लिया गया तब पर भी जो कलर को जो है अच्छी तरह से मैनेज किया। वैसे शेडो में मुझे ये कंप्लेंट दिख रहा है तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक ये कर दे रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, बट वही सिमिलर जो मैंने उसी एंगल से जो है ना एक और फोटो लिया गया, बट यहाँ पे देख सकते हो ब्लैकिनेस नहीं है। जैसे कि मैं अगर प्रीवियस वाले फोटो दिखाऊं यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक ब्लैक ज्यादा ही हो चुका है, बट यहाँ पे देख सकते हो कलर जो ग्रीनर है जो है ना अच्छी तरीके से मैनेज किया। तो यहाँ पे मतलब कुछ फोटोज में आपको शेडोज वगैरह में हल्का सा ब्लैक टिंग देखने को मिल सकता है, बट हाँ कभी कुछ एंगल्स वगैरह चेंज करोगे तो आपको काफी अच्छा इमेज देखने को मिल सकता है। एंड जैसे ये वाली इमेज देख लो, कंसिस्टेंट के मामले में जो है ना काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है इसकी कैमरा। एंड जैसा ये वाला पिक्चर देख लो, ब्लैक एंड व्हाइट में लिया गया, वैसे तो कोई काम का नहीं है। और हाँ दोस्तों, जितने भी फोटो सैंपल्स है जो वन प्लस का 12 का कैमरा है, हैजल ब्लेड का जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ में आता है, इनके साथ में इंटीग्रेशन के साथ में आता है जो कि कैमरा की क्वालिटी बहुत ही तगड़ा बना देता है। एंड जैसा देख सकते हो यहाँ पे भी काफी अच्छा इमेज देखने को मिल रहा है। जितने भी इमेजेस वगैरह देख रहे हो इसमें जो शार्पनेस है, जो सैचुरेशन लेवल है बहुत ही अच्छा दिया गया। हाँ ओवरऑल मैं बताना चाहूंगा कि भाई हल्का सा जो है कलर को ये बूस्ट कर देता है, जैसा कि देख सकते हो पत्ते उत्ते वगैरह, एंड हल्का सा जो डायनेमिक रेंज को भी अच्छा से ये मैनेज कर पा रहा है। वैसे इस बजट रेंज पे जो है डायनेमिक रेंज बिल्कुल भी अच्छा चाहिए ही डेफिनेटली। एंड जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ अगर डिटेलिंग की बात करें तो भाई काफी अच्छी खासी डिटेलिंग हमें जो है देखने को मिल सकता है। एंड गाइस ये वाला जो है पूरा वीडियो आपको जो है फोटोज की सैंपल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको वीडियो सैंपल वाली वीडियो चाहिए तो अगर इस वीडियो पे 15 लाइक आ जाता है, सिर्फ 15 लाइक, तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो तो मैं आपको वीडियो सैंपल्स भी आपको दिखाऊंगा एंड किस टाइप की वीडियो सेंसर्स में क्वालिटी ऐसा था वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जितने भी फोटोग्राफ्स मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों काफी अच्छा रहा। वही बैक कैमरे में अगर पोर्ट्रेट मोड लेते हो एज सन के अपोजिट लेते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो हल्का सा फेडेड कलर दिख रहा है, बट हाँ बेकार भी नहीं लग रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने एज को मैनेज किया है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज किया। बट यहाँ पे जैसे कान के पास जो ना हल्का सा जो ना यहाँ पे भी कान के पास जो ना कान को थोड़ा सा काट दिया है, यानी एज डिटेक्शन में कभी कभी जो ना थोड़ा कंसिस्टेंसी के मामले में आपको इश्यू देखने को मिल सकता है। बट ये वाला इमेज देख सकते हो यहाँ पे भी सिमिलर चीज मुझे देखने को मिल रहा है। एंड जैसा ये वाला इमेज देखते हैं,
तो हमें जो है ना सन का हल्का सा फ्लेयर भी देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो एज वगैरह डिटेक्शन जो है काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है। एंड वही अगर पैनोरामा शॉट्स लेते हो तो भाई पैनोरामा शॉट में भी आपको काफी यूजेबल इमेज आपको देखने को मिल रहा है, 360 इमेज है देख सकते हो, काफी जो शार्पनेस है दुकान का जो लेटर्स वगैरह है काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है, इवन द डायनेमिक रेंज को भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है। ये देख सकते हो पैनोरामिक शॉट है जो कि 360 डिग्री आता है जो कि काफी अच्छा है। एंड जैसे कि ये वाला इमेज देख रहे हो यहाँ पे भी गैस एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छा है, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी अच्छा है। एंड जैसा कि देख सकते हो अलग अलग आपको जो है ना सैंपल साइज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओवरऑल गैस कैमरा क्वालिटी बहुत ही तगड़ी लेवल की आ जाती है, मेन सेंसर में मूविंग ऑब्जेक्ट को भी काफी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता, ट्रेल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। एंड ओवरऑल गैस इमेज जो है ना जितने भी इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो काफी अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी की इमेज हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही तगड़ी हमें देखने को मिल रही है, जो एज डिटेक्शन है, जो पोर्ट्रेट मोड है, जो सेल्फी मोड है, सारे डिपार्टमेंट में वन प्लस ने इस बार अच्छा काम करके दिया है। जो प्राइस टू रेंज है, जो इसकी कैमरा क्वालिटी है, जो शार्पनेस है, जो डिटेलिंग है, सब चीज में जो है हमें काफी अच्छा चीजें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। गाइस कोई भी उतना कंप्लेंट मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ कुछ जगह पे जो ना एज डिटेक्शन दिक्कत लगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से इसने एज डिटेक्शन मैनेज किया, बोके इफेक्ट को मैनेज किया, बट कुछ सैंपल्स इमेजेस में आपने देखा कि थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी में हल्का सा टेढ़-मेढ़ हो जाता, बट हाँ ओवरऑल मैं बताऊं अबव 90% मैं रेट करना चाहूंगा कंसिस्टेंसी के मामले में। जैसे ये वाला इमेज देख लो एकदम DSLR लेवल का जो है ना बोके इफेक्ट लाके देगा। एंड जितने भी फोटो सैंपल्स अभी देख रहे हो भाई साहब, अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है, डे लाइट कंडीशन में आप खींच रहे हो तो भाई काफी क्लियर से इमेज दे रहा है, देख सकते हो। मतलब ये वाली इमेज जो ना बहुत ही तगड़ी लेवल की इमेज है, एंड इंडोर लाइट कंडीशन में भी आपको बहुत ही अच्छा यूजेबल इमेज दे रहा है। ओवरऑल गैस अगर सोशल मीडिया पे वगैरह पोस्ट करना है, आपको एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, तो आप सिंपल से फोटो खींचो एंड डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा एडिटिंग की जरूरत नहीं है। डिटेलिंग वगैरह जो है ना काफी अच्छी तरीके से ये वाला पिक्चर जो है ना मैनेज कर ले, ये वाला कैमरा सैंपल जो है ना मैनेज करके दे रहा है। तो ओवरऑल OnePlus 12 का कैमरा जो है ना कलर के मामला हो जाए, डिटेलिंग के मामला हो जाए, एज डिटेक्शन के मामला हो जाए, या फिर डायनेमिक रेंज के मामला हो जाए, कलर ह्यूमन स्किन के हिसाब से देखा जाए तो भाई काफी अच्छा दे रहा है। एंड इसके हिसाब से अगर जो आर्टिफिशियल चीजों का जैसा ये डॉल वाला इमेज देख रहे हो, इसमें देख सकते हो भाई साहब कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा, एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, शार्पनेस अच्छा है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है सब चीज बहुत ही तगड़े लेवल का यहाँ पे निकाल के दे रहा है। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी जो भी इमेज आता है यहाँ पे भी गैस शार्पनेस वगैरह, जो एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके दे रहा है। मतलब इंडोर हो या आउटडोर हो, अगर लाइटिंग कंडीशन आपकी अच्छी है तो बहुत ही तगड़ी लेवल की फोटो आपको निकाल के दे रहा है। एंड बहुत सारे सैंपल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एंड सब सैंपल्स का अगर आप डाउनलोड करके अपना फोन में देखना चाहते हो, जी ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके अपने फोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह में भी देख सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब इंडोर लाइट कंडीशन में जो स्किन टोन इसने मैनेज किया है, मतलब काफी रियल टू नेचुरल स्किन टोन यहाँ पे मैनेज किया, बट हाँ हल्का सा जाकर के ब्यूटीफाई कर देता है, बट वही जो आपके पिंपल्स वगैरह उसको बिल्कुल भी नहीं छिपाता है, मतलब आर्टिफिशियल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगा, रियल टू नेचुरल लगता है। यहाँ पे देख सकते हो जो बाल वगैरह जो भी है इसको भी इसने जो है ना काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा, देख रहे हो यहाँ की बाल भी मतलब काफी तगड़ी लेवल की दिख रहा है। एंड जो भी इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में सभी तगड़ा देता है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही तगड़ा निकाल के देता है। तो ओवरऑल गाइस इस फोन का जो है कैमरा बहुत ही तगड़ा है, एंड डेफिनेटली प्राइस रेंज के हिसाब से जो है कोई भी कंप्लेंट नहीं देखने को मिला, वही एज डिटेक्शन में हल्का सा कंप्लेंट है, डायनेमिक रेंज वगैरह बहुत ही तगड़े लेवल से मैनेज कर लेता, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो रेशियोज वगैरह काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता, ह्यूमन स्किन को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता। तो इस रेंज पे हिसाब से अगर भाई OnePlus 12 को आप कैमरा के हिसाब से ले रहे हो, हैजलब्लैड के साथ में कॉम्बिनेशन होने की वजह से, इंटीग्रेशन होने की वजह से, ओवरऑल कैमरा क्वालिटी बहुत ही तगड़ी लेवल की आपको निकाल के देता है, एंड डेफिनेटली इसको गाइस कंसीडर कर सकते हो। बाकी गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड गाइस आपको क्या लगता है ओवरऑल कैमरा का परफॉर्मेंस OnePlus 12 के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन सायोनारा।